अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टैक्सेशन मैनेजमेंट में आज लेक्चर है हमारा डेफिनेशंस, यानी आज हम डेफिनेशंस पे बात करेंगे और सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। मेन सेक्शन 2 है और सब सेक्शंस चेंज होते रहते हैं डेफिनेशंस के। ऑलरेडी आप क्लियर हैं कि डेफिनेशंस हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर देती हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को समझने की कोशिश करते हैं या लर्न कर रहे होते हैं, ताकि न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट्स में आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अप्लाई कर सकें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशंस का नो हाउ होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिविडेंड से। डिविडेंड नॉर्मली तो हम कह रहे होते हैं कि कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अ शेयर ऑफ अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स और अमंगस्ट शेयर होल्डर्स पार्टनर्स, तो हम इसे डिविडेंड कह रहे होते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिविडेंड को किस तरह डिस्कस किया गया, और इनका डिविडेंड का जो सेक्शन है डेफिनेशन का सेक्शन 2 है, तो डिविडेंड आ रहा है सब सेक्शन 19 में। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कोई भी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, चाहे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से, चाहे कंपनी के जो एनुअल प्रॉफिट होता है उससे, कैपिटलाइज्ड हो या ना हो। कैपिटलाइज का क्या मतलब है कि रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट है या रिजर्व का पार्ट है या कोई बोनस है या बोनस शेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है तो आप इसे डिविडेंड कहेंगे, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हो चाहे ना हो। यानी चाहे उसे ओनर इक्विटी का पार्ट बनाया गया हो चाहे ना बनाया गया हो, लेकिन आप अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो आप इसे डिविडेंड कहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं वेदर कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का कॉन्सेप्ट कहाँ जाता है कि स्टेटमेंट का पार्ट, यानी ओनर्स इक्विटी के जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या ओनर इक्विटी है, अगर इसका कोई प्रॉफिट पार्ट बन चुका हो रिजर्व, एज अ रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग, तो आप इसे क्या कहते हो, कैपिटलाइज प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म वेदर विद और विदाउट प्रॉफिट or to the extent to which the company possesses accumulated profit whether capitalized or not। second point kya hai, koi bhi profit debentures ki condition mein aap share kare distribute kare, debenture stock ki condition mein aap distribute kare, ya deposit certificate ki condition mein aap distribute karne ja rahe hain ya kar chuke hain, ya profit na ho without profit ho, yani ye conditions aa jaye, debenture stock और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, इसे भी डिविडेंड कहा जाएगा वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। चाहे उसे आपने स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाया रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग में, उसकी रेशो ले गए या नहीं ले गए, आप इसे भी डिविडेंड कंसीडर करेंगे। यानी कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन डिविडेंड अगर रिसीव कर रहा है तो आप इसे इनकम कंसीडर करेंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करे मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, यानी लिक्विडेशन के टाइम जब कोई भी कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है, वाइंड अप हो रही होती है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, इसे भी डिविडेंड कंसीडर किया जाएगा। इमीजिएटली बिफोर द लिक्विडेशन वेदर कैपिटलाइज्ड आर नॉट, चाहे वो कैपिटल स्टेटमेंट्स का पार्ट था या नहीं था, चाहे रिपोर्टिंग का पार्ट था चाहे नहीं था, कैपिटलाइज था या नहीं, आपने अगर डिस्ट्रीब्यूशन की है तो आप इसे डिविडेंड कहेंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेसेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अगर शेयर होल्डर्स को कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है और कैपिटल से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जैसे हम कह रहे होते हैं कि कोई भी शेयर होल्डर जब कैपिटल विदड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, तो इसे भी डिविडेंड कंसीडर किया जाएगा। यानी आप ड्राइंग का जब कॉन्सेप्ट लेते हो, आप कहते हो ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, तो ड्राइंग की कंडीशन भी डिविडेंड होगी। एनी पेमेंट बाय द प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू द शेयर होल्डर और एनी पेमेंट बाय एनी सच कंपनी और ट्रस्ट ऑन बिहाफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट्स ऑफ एनी सच शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी और ट्रस्ट इन आइदर केस पोजेसेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कोई भी कंपनी है, वो कोई भी पेमेंट कर रही है, और ये ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई एडवांस दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स को, कोई शेयर होल्डर्स को पेमेंट दी जा रही है, या कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए शेयर होल्डर्स को, ये कंपनी भी हो सकती है, कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, इसे भी कहा जाएगा
डिविडेंड। जरूरी नहीं है कि ये एकॉमुलेटेड पार्ट से दिया जाए। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अगर लोन देती है तो इस लोन को भी आप क्या कहेंगे, डिविडेंड कंसीडर करेंगे। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। कोई भी फॉरेन कंपनी है, अगर उसकी कोई ब्रांच पाकिस्तान में काम कर रही है, तो इसकी कोई भी पेमेंट, आफ्टर टैक्स पेमेंट कोई भी होगी, तो इसे भी डिविडेंड कंसीडर किया जाएगा अगर ये पेमेंट शेयर होल्डर्स को की जाए। अब देख लें, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। डिविडेंड हमने कुछ कंडीशंस तो देख ली कि अगर ये पॉइंट्स आ जाएं तो इन्हें डिविडेंड कहा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो डिविडेंड में आप कंसीडर नहीं करेंगे। जिनमें फर्स्ट है, बट डजेंट इंक्लूड फर्स्ट आर डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर फॉर फुल कैश कंसिडरेशन और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर स्टॉक वेयर द होल्डर ऑफ शेयर और डिबेंचर इज नॉट इंटाइटल्ड इन एक्सटेंट ऑफ लिक्विडेशन टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट। अगर कोई भी डिबेंचर होल्डर है, कोई स्टॉक होल्डर है, लिक्विडेशन जब हो रही है कंपनी की, तो लिक्विडेशन की डिसीजन में वो सरप्लस एसेट का हकदार नहीं है, तो आप इसे डिविडेंड नहीं कहेंगे। यानी लिक्विडेशन के टाइम जब कंपनी के एसेट्स सेल आउट किए जाते हैं, उनसे जो पेमेंट होगी, वो पेमेंट अगर सरप्लस एसेट के हकदार डिक्लेयर नहीं हो रहे डिबेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स या कोई भी स्टॉक होल्डर, तो उसे डिविडेंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो इसका हकदार नहीं था। एनी एडवांस और लोन मेड टू शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस वेयर द लेंडिंग ऑफ मनी इज द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। हमने कहा कि कोई भी एडवांस और लोन मेड टू शेयर होल्डर्स बाय कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस वेयर द लेंडिंग ऑफ मनी इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। यानी अगर बिजनेस अपनी ऑर्डिनरी कोर्स में, ऑर्डिनरी रूटीन टाइम में कोई भी लोन पे कर दे, कोई भी पेमेंट कर दे शेयर होल्डर को, यानी एक तो है शेयर होल्डर के साथ कोई एग्रीमेंट कर दिया गया, शेयर होल्डर के साथ कोई डीड कर दी गई, शेयर होल्डर इसका हकदार है, जिसकी पेमेंट शेयर होल्डर को की जा सकती है, जो लोन शेयर होल्डर ले सकते हैं आपसे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी पेमेंट की जाए शेयर होल्डर को, उसे डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे हमने कहा कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस वेयर द लेंडिंग मनी इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। और जो लेंडिंग मनी है, जो पेमेंट दी जा रही है, वो बिजनेस का सब्सटेंशियल पार्ट है, वो कोई रिजर्व नहीं है, कोई रिटेन अर्निंग का पोर्शन नहीं था, वो कोई प्रॉफिट का पोर्शन नहीं था। अगर ऐसी कोई मनी शेयर होल्डर को दी जाए, तो इसे आप डिविडेंड नहीं कहेंगे, इसे फिर लोन कंसिडर किया जाएगा। एनी डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी विच इज सेट ऑफ बाय अ कंपनी अगेंस्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी सम प्रीवियसली पेड बाय इट एंड ट्रीटेड एज डिविडेंड। यानी कोई भी डिविडेंड कोई भी कंपनी अगर पे कर रही है, पेड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ बाय अ कंपनी अगेंस्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी सम प्रीवियसली पेड। यानी अगर पिछले साल में, यानी 2018 में अगर कुछ डिविडेंड दिया गया और कुछ डिविडेंड उसका सम या कोई पार्ट बाद में पे किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रीवियसली पेड, बाद में अगर पे किया जाता है, तो उसे उस साल का डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जाएगा जिस साल में आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी अगर आप 2020 का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और 2018 का कोई डिविडेंड रिमेनिंग था, तो रिमेनिंग को 2020 में डिविडेंड कंसीडर नहीं किया जाएगा। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय द ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटेड इन पाकिस्तान। अगर कोई भी ऐसी ब्रांच आपको कोई पेमेंट कर दे जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, यानी रिफाइनरी से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसी कंपनी, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ब्रांच पाकिस्तान में काम कर रही हो, तो अगर आपको कोई वो पेमेंट करती है, कोई रिमिटेंस है, कोई चेक है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई अमाउंट अगर पे किया जाए, कोई अलाउंस पे किया जाए, इसे भी डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये हमारे पास कुछ डिविडेंड की ऐसी कंडीशन जो डिविडेंड में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेफिनेशन पे, जो कि हमारे पास, हमने डजंट इंक्लूड पे बात कर ली। अब देख लेते हैं कि इनकम किसे कहा जाएगा, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम को कैसे डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 29, इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कोई भी ऐसा अमाउंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में चार्जेबल हो, उसे इनकम कहा जाएगा। यानी अगर आपको कोई भी अमाउंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्लैब में या नेट में आप रिकॉर्ड करना चाहें या कर सकें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको अलाउ करे कि ये इनकम है, तो आप उसे इनकम कंसिडर करेंगे। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन
और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट एनी टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, कोई भी ऐसा अमाउंट जो आप कलेक्ट करें या किसी पर्सन से डिडक्शन हो रही हो, डिडक्शन ऑफ टैक्स जिस पे टैक्स लग सके जिस अमाउंट पे, यानी हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में यानी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की कंडीशन में आप पे जो टैक्स लगेगा आप क्या कहेंगे, इस होल अमाउंट को इनकम कहेंगे जो पे किया जा रहा है, यानी गुड्स अगर इम्पोर्ट की जा रही हैं, गुड्स इम्पोर्ट करने में जो आप पेमेंट कर रहे हो, ये पेमेंट सारी क्या होगी, इस पर टैक्स लगेगा। तो इस पर जितना भी टैक्स आएगा, टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये आपकी इनकम है। एक्सप्लेनेशन देख लें कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द कलेक्टर ऑफ कस्टम एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स टू कलेक्ट द टैक्स एट द प्रेस्क्राइब रेट्स फ्राम द इम्पोर्टर्स। इम्पोर्टर्स जो हैं, प्रेस्क्राइब रेट फ्राम द इम्पोर्टर, जो इम्पोर्टर है उससे कोई स्पेसिफिक रेट ज़रूर कस्टम ड्यूटी के माध्यम में या एज अ कस्टम ड्यूटी आप ज़रूर कलेक्ट करें। क्यों कलेक्ट करने जा रहे हैं, कि जो पर्सन ये प्रोडक्ट ले रहा है वो अपनी इनकम से ही ये प्रोडक्ट ले रहा है, तो इसे इनकम कहा जाएगा। द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट हैज़ बीन ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ इम्पोर्टर अंडर दिस क्लॉज, तो ये इनकम ऑफ इम्पोर्टर होगी, तो इसीलिए इस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि एनी पेमेंट रिसीव्ड, सी पॉइंट है, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पर्सन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी रेजिडेंट, रेजिडेंट मीन्स के कोई ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान में स्टे करता है, पाकिस्तान का नेशनल है, तो यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसे रेजिडेंट डिक्लेयर करता है, तो वो कोई भी सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज पे अर्निंग कर रहा है, तो इसे भी इनकम कहा जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, कोई भी अमाउंट आप रिसीव करते हो एज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हो आप और उस पर कोई आपको इनकम आती है, कोई पैसे आ रहे हैं, कोई अमाउंट आपकी पॉकेट में आ रही, इनकम कंसिडर किया जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्राइजेज एंड विनिंग्स, अगर कोई पर्सन कुछ विनिंग करता है, कोई लॉटरी विन करता है, फॉर एग्जांपल कोई प्राइज बॉन्ड विन कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इस अमाउंट को भी इनकम कंसिडर करेंगे आप। ये हमारे पास ई पॉइंट था। इसके बाद आते जाते हैं एफ पॉइंट पे। एनी अमाउंट कलेक्टेड फ्राम अ पर्सन बींग द ओनर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल बाई एक्साइज डिपार्टमेंट, अगर कोई पर्सन है वो किसी कोई ओनर ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी ऐसी व्हीकल है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, तो आप इसके भी जो भी इसकी इनकम होगी, इस पर जो भी अर्निंग होगी, उसे इनकम कंसिडर किया जाएगा। Owner of vehicles have to pay advance tax under the law. The amount so charged is included in the definition of income. तो इसकी भी इनकम कंसिडर की जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस है, वो एक बिजनेस कर रहा है, एज अ ट्रांसपोर्टर काम कर रहा है, व्हीकल को यूज़ करते हैं अपनी एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसे क्या कहा जाएगा कि ये पर्सन इनकम अर्न कर रहा है इसे। इस तरह नेक्स्ट जी पॉइंट है, एनी अदर अमाउंट डिडक्टेड आर कलेक्टेड बाई एनी पर्सन एट सोर्स is included in the definition of income. अगर किसी पर्सन की इनकम से, इनकम लेने से पहले कोई टैक्स डिडक्ट हो जाए, यानी गवर्नमेंट एम्प्लाई है, सैलरी पर्सन है, वो इनकम लेता है, तो पहले टैक्स डिडक्ट हो जाता है एट सोर्स, फिर उसे इनकम मिलती है, या तो डिडक्ट होगी या कलेक्ट, या कोई पर्सन अगर कलेक्ट कर रहा हो, यानी आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं, और बैंक एग्जांपल हम ले लेते हैं, बैंक में आप गए हैं, आपने बैंक से विड्रॉ करवाया, विड्रॉ करते हुए बैंक ने आपसे टैक्स कलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट की, तो ये जो टैक्स कलेक्ट किया है बैंक ने, ये किस चीज़ पे कलेक्शन हुई है, ये इनकम पे कलेक्शन हुई है, ठीक है। तो हमने कहा एनी अदर अमाउंट, हमने कहा कि एनी अमाउंट collected from a person being the owner of goods transported transport vehicle by excise department, और जी पॉइंट पे हमने कहा कि एनी अदर अमाउंट डिडक्टेड, कोई भी अमाउंट अगर डिडक्ट हो या कलेक्टेड बाई एनी पर्सन, या कोई पर्सन कलेक्ट कर रहा हो एट सोर्स इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, इसे भी इनकम कंसिडर करेंगे आप। एनी लॉस ऑफ इनकम, यानी अगर कोई लॉस हो रहा है, किसी इनकम अर्निंग पे लॉस हुआ, तो इस लॉस को भी इनकम कंसीडर किया जाएगा, और ये आपको जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ये लॉस अलाउ होगा, जितना टैक्स पे करना होगा उससे इस लॉस को माइनस कर लिया जाएगा, इसीलिए इसे भी आप इनकम कहेंगे, कि पर्सन इनकम अर्निंग में उसे लॉस हो जाता है तो अपनी लॉस को एज अ एक्सपेंस शो करेगा, तो उस पर टैक्स अगर 10,000 का बन रहा है तो लॉस उसका लेस किया जाएगा, अगर जितना भी है 2,000 का लॉस है तो लॉस डिडक्ट किया जाएगा। एक रेशो है जो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलाउ करते हैं लॉस की, उस लॉस को आप क्लेम कर सकते हो, और वो लॉस आपको टैक्स कलेक्शन में या टैक्स पेमेंट में एग्जम्पशन देगा, छूट देता है। तो हमने
इनकम से रिलेटेड देखा, और लास्ट एक्सप्लेनेशन जरा देख लें इसकी, कि इन केस ऑफ ए अबाउट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस व्हाइल अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स इज बीइंग कैलकुलेटेड एज सच लॉस इज ड्यूली कंसीडर्ड बाय द लॉ सो इट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम। अगर किसी पर्सन को कोई लॉस हो रहा है वो डेफिनेशन ऑफ इनकम में आप उसे रखेंगे, क्योंकि वो अपनी इनकम से इसे क्लेम कर सकता है कि मैंने एक साल में जितनी इनकम की उसी साल में मुझे इतना लॉस भी हुआ है। लॉस आपको FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो रेशियो अलाउ करते हैं वो रेशियो अलाउ डिडक्ट की जाएगी, अलाउड रेशियो डिडक्ट की जाएगी, तो अल्टीमेटली टैक्स यहाँ कम हो जाता है। ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी इनकम से रिलेटेड। अब एक नोट देख लें, फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 ऑनवर्ड फेस वैल्यू ऑफ एनी बोनस और बोनस ईयर डिक्लेयर्ड इश्यूड आर पेड बाय द कंपनी विद अ व्यू ऑफ इंक्रीज इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शेल कंसिडर्स एन इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स प्रीवियसली इट वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू इनकम। पहले क्या था 2015 से पहले, के अगर कोई भी शेयर होल्डर को कोई बोनस शेयर दिया जाता है या कोई शेयर ऑफर किया जाता है या कोई कम्युलेटिव शेयर ऑफर की जाती है, राइट शेयर ऑफर की जाती हैं, तो अगर ऐसा था पहले तो उसको इनकम नहीं कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन अब इसे इनकम कंसिडर किया जाएगा। यानी एक शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर को कंपनी अलाउ करती है, ऑफर करती है, इनवाइट करती है, राइट इशू करती है, तो इस पे क्या होगा, राइट इशू की जो भी डिस्काउंट मिल रहा होगा शेयर होल्डर को वो डिस्काउंट उसकी इनकम होगी। यानी मार्केट में कंपनी एक शेयर 10 रुपए का बेच रही है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसे वही शेयर 8 रुपए पे ऑफर हो रहा है, तो ये दो का जो डिफरेंस है ये क्या होगा, जो इन्विटेशन है या ऑफर है ये इनकम कंसिडर की जाएगी। या कोई बोनस अगर इस माध्यम में मिल रहा है, और बोनस वो काइंड्स में हो सकता है, वो शेयर हो सकता है, शेयर राइट हो सकता है, उसे भी आप इनकम कंसीडर करेंगे शेयर होल्डर की। ये हमने इनकम से रिलेटेड बात की। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड किसे कहा जाएगा? अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 3 माइनर चाइल्ड मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स द एज इज टू बी डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। अगर किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की एज अंडर 18 इयर्स अगर एज में आ रहा है तो उसे आप माइनर कंसीडर करेंगे, और इसकी एज जो है ये कैलकुलेट की जाएगी एंड ऑफ टैक्स ईयर पे, जैसे टैक्स ईयर एंड हो रहा हो तो उस पे कैलकुलेट की जाएगी, यानी जून एंडेड पर इसकी एज देखी जाएगी पर्सन की कि वो माइनर है या माइनर नहीं है। इसी तरह आप देख लेते हैं कि पर्सन किसे कहा जाएगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 एंड 80, सब सेक्शन 42 एंड 80 में आ रहा है पर्सन की डेफिनेशन। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अ पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एन इंडिविजुअल अ कंपनी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड और एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। कोई भी ऐसी एसोसिएशन हो जो पाकिस्तान में फॉर्म हुई हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, इसे भी आप पर्सन कहेंगे। द फेडरल गवर्नमेंट भी एक पर्सन कंसीडर होगा। फेडरल गवर्नमेंट की जितनी इनकम होगी इसे पर्सन इनकम में इसका कैलकुलेशन की जाएगी। अब फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट है उसे भी पर्सन कंसीडर किया जाएगा। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, अगर किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन है, यानी उनका कोई ऑफिस है, मिनिस्ट्री है, यानी सफारतखाना है, इसे भी आप क्या कहेंगे, सब डिवीजन कहेंगे। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसे PIO है, इसे भी आप पर्सन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर से रिलेटेड है, कि हु इज अ प्रिंसिपल ऑफिसर सेक्शन 2 सब सेक्शन 44A। प्रिंसिपल ऑफिसर यूज्ड विद रेफरेंस टू द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ द पर्सन इंक्लूड्स अ डायरेक्टर अ मैनेजर सेक्रेटरी, यानी कंपनी का कोई भी सेक्रेटरी है, मैनेजर है या डायरेक्टर है, एजेंट हो गया, यानी कंसाइनमेंट में जब हम जाते हैं, अकाउंटेंट होगा, और एनी सिमिलर ऑफिसर, इसे क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफिसर कहा जाएगा। ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं टैक्स रिटर्न के, यानी अकाउंटेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स रिटर्न यानी गोशवारा सबमिशन में। अगर कंपनी एक अकाउंटेंट को रिस्पॉन्सिबल कर दे टैक्स सबमिशन के लिए, तो अब अकाउंटेंट इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा कि टैक्स रिटर्न में अगर वो फ्रॉड करता है, टैक्स रिटर्न फ्रॉडलेंट सबमिशन करता है, तो अकाउंटेंट यहाँ प्रिंसिपल ऑफिसर है कंपनी का, और ये यहाँ
क्लेम किया जा सकता है, ब्लेम किया जा सकता है, एफबीआर ब्लेम कर सकता है उस पर्सन को, क्योंकि अकाउंटेंट को कंपनी ने डिक्लेयर किया प्रिंसिपल ऑफिसर कि यही पर्सन हमारा रिस्पॉन्सिबल है और ये अकाउंटेंट हमारा टैक्स गोशवारा जमा करवाएगा। मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, सेक्रेटरी या एजेंट भी हो सकता है। एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट है या उसके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। आप समझते हैं मैनेजमेंट का पार्ट कौन से पर्सन होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज क्या होती हैं, किनको हम मैनेजर्स कंसिडर कर रहे होते हैं, वो तमाम लोग प्रिंसिपल ऑफिसर होंगे। और एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन अपॉन होम द कमिश्नर हैज सर्वड अ नोटिस ऑफ ट्रीटिंग हिम एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर देयर ऑफ, या तो फिर कमिश्नर जो होगा, एफबीआर कमिश्नर जो होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कमिश्नर होगा, वो अगर किसी पर्सन को, किसी कंपनी के पर्सन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी वर्कर को, मैनेजर को, डायरेक्टर को, एजेंट को प्रिंसिपल ऑफिसर डिक्लेयर कर दे कि फलां पर्सन प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसे लेटर इशू हो जाएगा, वो पर्सन अब क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा एनुअल गोशवारा सबमिट करवाने में, यानी टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने में। तो इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उस पर्सन पे आएंगी, वो जो फ्रॉड होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होगा उन फ्रॉड्स का, उन एरर्स का। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, सिंपल डेफिनेशंस हैं। आप बुक साथ रखें, चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर सेकंड इसेप्शन, यानी जो हमने बात की है, जो आज के लेक्चर में डेफिनेशंस क्लियर करने की कोशिश की, इनको ज़रूर आप रीड आउट कर लें, और इसमें कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें।